हमारे यहाँ जब शादी होती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल कर ली गई हैं जिनका शरा से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ जब शादी की जाती है तो ढोल ढमक्का किया जाता है कि ढोल ढमक्का शुरू कहाँ से हुआ, ये गाना बजाना, ये कंजरहाना कहाँ से शुरू हुआ। नदर बिन हारस एक गैर मुस्लिम था, यहूदी था, ये औरतें अपने पास रखता था, उनको गाना बजाना सिखाता और इसकी नीयत ये होती थी कि मुसलमानों को मैं अपनी तरफ, जो मुसलमान नए नए मुसलमान होते हैं उनके नौजवानों को मैं अपनी तरफ मायल करूंगा, वो इनका हुसन देखेंगे, इनका नाच गाना देखेंगे तो वो इस तरफ मायल हो जाएंगे। क़यामत तक का वो बंदा जो ढोल ढमक्के का काम करता है, जो कारोबार इस तरह का करता है, या जो अपने घर में ये कंजरहाना करवाता है, जो घर के अंदर शादी का मौका होता है तो इस तरह की जो फजूलियात हैं इनका अहतमाम करता है, जो गाने बजाने का अहतमाम करता है, ये सारे के सारे नदर बिन हारस की बनाई हुई एक राह पर चलते हैं। जो तरीका उसने ईजाद किया, एक गैर मुस्लिम ने ईजाद किया, ये सारे के सारे उसके बनाए हुए तरीके के ऊपर चलते हैं और उसका गुनाह उसको भी मिलता है, इनको भी मिलता है। होना ये चाहिए कि जब निकाह का वक़्त आए, जब शादी करनी हो, तो सिर्फ ये देखा जाए कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करना है। तवज्जो कीजिएगा, एक बात आपने बड़ी गौर की होगी, हर घर जिसके अंदर भी शादी होती है, जब शादी के दिन आते हैं तो वो कहते हैं कि यार घर में खुशी का मौका है, शादी है, तो फूफो नाराज़ है उसको राज़ी कर लिया जाए, मामू नाराज़ है उसको राज़ी कर लिया जाए, होता है ना ऐसा, चचा नाराज़ हो उसको जाके राज़ी कर लिया जाता है, घर में खुशी है आप राज़ी हो जाएँ, मामू नाराज़ है घर में खुशी है आप राज़ी हो जाएँ, फूफो नाराज़ है आप राज़ी हो जाएँ, जो अहले मोहल्ला में से भी अगर कोई नाराज़ है, घर के साथ वाला घर है वो नाराज़ है, उसको जाके राज़ी किया जाता है कि घर में खुशी का मौका है आप हमारे घर तशरीफ़ लाइएगा, नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें, ऐसा होता है ना। तो देखें कितनी अजीब बात है कि वो रब जिसने हमें खुशियाँ दी हैं, अल्लाह ने दी है ना खुशियाँ, अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं दे सकता, अल्लाह जिसने हमें खुशियाँ दी हैं, शादी का मौका आता है तो फूफो को राज़ी कर लिया जाता है, मामू को राज़ी कर लिया जाता है, रिश्तेदारों को राज़ी कर लिया जाता है, जो पहले नाराज़ होते हैं उनको राज़ी कर लिया जाता है, वो अल्लाह जो खुशी दे रहा है वो पहले राज़ी होता है उसको नाराज़ कर दिया जाता है, वो खुशी दे रहा है ना उसको। होना तो ये चाहिए था कि खुशी के मौका पर हम रब को राज़ी रखते कि उसने हमें ये खुशी अता फरमाई है, लेकिन होता क्या है कि इस खुशी के मौका पर रब को जो पहले से राज़ी है उसको मज़ीद राज़ी करने के बजाय नाराज़ कर दिया जाता है। लोग पूछते हैं मुहर्रम में निकाह हो सकता है कि नहीं, वैसे जैसा निकाह हम करते हैं ऐसा निकाह मुहर्रम तो क्या किसी महीने में भी नहीं हो सकता। ढोल ढमक्का करना, गाना बजाना और औरतों और मर्दों का इख्तलात, जब बारात जाए तो आगे औरतें खड़ी करना, नौजवान लड़कियां खड़ी करना कि तुम बारात के ऊपर फूल फेंको, इस तरह की शादी करना, जब वो बारात अंदर जाती है तो जवान साला लड़की उसको आके दूध पिलाती है, उसके साथ मजाक करती है जो उसके लिए गैर महरम है, जब शादी हो जाती है तो फिर जो है वो अपने बहनोई की जूता छुपाने की एक रस्म हमारे यहाँ बनी हुई है, बिल्कुल जवान उम्र लड़कियाँ उसके साथ हंसी मजाक करती हैं, इस तरह की शादी करना ये तो किसी महीने में भी जायज़ नहीं है। मुहर्रम सफ़र तो बाद की बात है, किसी महीने के अंदर भी ऐसी शादी करना जायज़ नहीं है। शादी कहा जाता है निकाह और वलीमा को, तो जब शादी के नाम पर इस तरह का मजाक किया जाए, कभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ढोलकी रखी जाए, उधर इशा की नमाज की अजान हो रही है, इधर जनाब ढोलकी की थाप पर गाने बजाए जा रहे हैं, और फिर जब मेहंदी की रात आ जाती है फिर तो हद कर दी जाती है, ऐसा एक तूफान बदतमीज़ी बरपा हो जाता है। बड़े बड़े हाजी नमाजी लोग, पारसा लोग चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, समझते हैं कि शादी के मौका पर तो ये कंजरहाना शायद एक जायज़ काम है और ये उरियानी फहाशी होनी ही चाहिए। अब सब कुछ समझता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, चेहरे पे दाढ़ी रखी हुई है, जब वो शादी के दिन ढोलकी बजा रहा है, वो कंजरहाना करवा रहा है, वो गाने बजाने बजा रहा है, तो उसका इमाम कहेगा कि आपने तो दाढ़ी रखी है, आप तो माशाल्लाह बादशाह हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, आप ये
سب کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا خیر ہے شادی کے موقع پر چلتا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، شادی کے موقع پر جائز ہے، یہ ہرگز ایک مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو سچا مسلمان ہے اور جو واقعی اسلام کے سارے اصولوں کو سر آنکھوں پہ رکھنے والا ہے، وہ جب گھر میں شادی ہو تب بھی غلام نبی ہوتا ہے، میدان جنگ میں کھڑا ہو تب بھی غلام رسول ہوتا ہے۔ وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ آج گھر میں شادی ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کو مسلمان بن جاؤ، میلاد منانا شروع کر دو، لیکن جب گھر میں شادی آ جائے تو پھر مہندی شروع کر دو، پھر یہ دنیا کی فضولیات شروع کر دو۔ یہ مہندی جو چلی ہی ہندوؤں سے ہے، جو ہندوؤں نے رسم چلائی ہے، جو ہاتھوں ہاتھ اور پاؤں یا سر کی مہندی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر کے بالوں پر اپنی داڑھی مبارک پر خود مہندی لگائی ہے، اس کی ناجائز ہونے کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے ہاں ایک رسم مہندی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایسی چیزیں جو چلی ہی غیر مسلموں سے ہیں، اصل میں برے صغیر کے اندر رہتے رہتے مسلمان اور ہندو بہت عرصے تک اکٹھے رہے، ایک دوسرے کی رسمیں ایک دوسرے کے اندر سرایت کرتی گئی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جب صبح اٹھو تو اگر کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو آپ سفر نہیں کر سکتے، ایسی کوئی بات اسلام کے اندر نہیں ہے۔